भारतीय सभ्यता में ही इसकी अहमियत पूरी दुनिया को समझाई जा रही है, समझाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। सनातन धर्म जरूर अपना इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो फैमिली न्यूक्लियस यूनिट में पूरी दुनिया में गया, देखा, सीखा, समझा और एनालाइज किया एज ए जर्नलिस्ट, फैमिली वैल्यू और फैमिली के बारे में शायद लोग हिंदुस्तान में रह करके उसकी अहमियत नहीं समझ। भारत इस दशक के आखिर तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। विजन अमृतकाल भारत का 2047 आयोजित किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, सरकार के मंत्रियों, पॉलिसी मेकर, नौकरशाहों, टेक्नो टैक्स, सिविल सोसाइटी, ओपिनियन मेकर्स, विदेशी राजनयिकों, SDG, पत्रकारों और मीडिया प्रोफेशनल्स ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम नई दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक प्रणव प्रखर ने, जो बहुत आयामी मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास टेलीविजन प्रसारण मीडिया में निर्माता, निर्देशक और पत्रकार के रूप में पिछले 25 सालों का शानदार अनुभव है। प्रणव प्रखर विजन के अध्यक्ष और प्रधान संपादक भी हैं। लगभग 12 पैनलिस्टों ने भाग लिया। इसके अलावा भारत माता की जय, डिफेंडिंग इंडिया, स्पोर्ट्स एंड मेडिकल हेल्थ ऑफ इंडिया, SDG गोल्स पर एक और सत्र भी आयोजित किया गया। कमांडर अशोक बिजलवान, सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल OP तिवारी, मेजर जनरल राजन कोचर ने भी आगामी वर्षों में भारत की रक्षा नीति पर अपनी राय प्रकट की। डॉक्टर VP शर्मा, डॉक्टर शैलेंद्र भदौरिया और डॉक्टर रजनीश ने कोविड के बाद भारतीय स्वास्थ्य सेवा उद्योग के विकास पर विशेष तौर पर प्रकाश डाला। खेल उद्योग के लोकप्रिय नाम सुमित्रो बोस, संदीप मिश्रा और अभिषेक दुबे ने खेल रणनीतियों और राष्ट्र को जोड़ने में खेलों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की। कुतुब मेल के लिए योगेश भट्ट, दिल्ली।